हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सभी। मैं प्रीति आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट पे। तो दोस्तों, आज हम मिल रहे हैं बहुत दिनों बाद, ठीक है। तो कुछ काम आने की वजह से मैं नहीं आ पा रही थी, वीडियो नहीं बना पा रही थी। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे रेस्पिरेशन। हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं रेस्पिरेशन के बारे में। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, यू नो द टाइप ऑफ टू टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन और एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन का मीनिंग क्या होता है और एनएरोबिक का, इस वीडियो में हम जानेंगे। अगर दोस्तों आप इस चैनल पर नए होंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, ठीक है। चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। वीडियो में हम लोग देखेंगे टाइप ऑफ सर्वल रेस्पिरेशन, ठीक है। सर्वल रेस्पिरेशन में हम लोग देखेंगे एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक का मीनिंग क्या होता है? एरोबिक का मीनिंग होता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। Presence of oxygen is known as aerobic respiration and the absence of oxygen is known as anaerobic respiration. Aerobic और anaerobic respiration. तो हम लोग देखेंगे, चलिए देखते हैं इसमें इसका definition क्या होता है aerobic का। A chemical process in which oxygen is used to make energy from carbohydrates. यानी कि ऐसे केमिकल जिसमें एनर्जी का यूज करके क्या फॉर्म किया जाता हो, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट बोले तो ग्लूकोज, ओके। या सिंपल लैंग्वेज में एरोबिक रेस्पिरेशन जो आप लोग याद कर लोगे, प्रेजेंस ऑफ और एयर का मतलब एरोबिक रेस्पिरेशन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। यानी कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन उसे बोलेंगे जिसमें ऑक्सीजन क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ओके, समझ गए। दूसरा है एनोरोबिक रेस्पिरेशन, जस्ट इसके अपोजिट। नाम से ही मैंने बताया कि जहाँ पे ऑक्सीजन क्या हो, प्रेजेंट ना हो, यानी कि अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। लेट्स सी, एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑकर विदाउट ऑक्सीजन, विदाउट ऑक्सीजन एंड रिलीज एनर्जी फ्रॉम द ग्लूकोज, ओके, एंड रिलीज लेस एनर्जी। यह एनर्जी लेस तो करता है लेकिन लेस, कम मात्रा में, बट मोर क्विकली देन एरोबिक रेस्पिरेशन, लेकिन एरोबिक रेस्पिरेशन से जल्दी होता है। तो ये वाला ना आपको याद ना हो रहा हो तो मेरे मुझसे सुनिए, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन द विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, विदाउट प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड एंड एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका एक एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन, मीन्स एंड एरोबिक रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। आगे समझ में, तो ये तो था आज का वीडियो जिसमें हम लोग देखे टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, टू टाइप ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनएरोबिक। एरोबिक का मींस क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनएरोबिक का क्या मींस होता है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके गाइस, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आप डेली, मिलेंगे अपने एक नई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।